नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है टेंडर वर्किंग प्रोसेस। जब टेंडर हमारे पास आता है तो उसका वर्किंग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि टेंडर डॉक्यूमेंट जब भी हमारे पास आता है उसका हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। जैसे भी स्पेसिफिकेशन, वॉल्यूम वन, जैसे वॉल्यूम ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 रहते हैं, टेंडर स्पेसिफिकेशन, टेंडर ड्राइंग्स, बिल ऑफ क्वांटिटीज, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स का हम लोगों को पूरा स्टडी करना है। और ये स्टडी करने के बाद भी हम लोगों को वर्कआउट करने के लिए शुरू करना है। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को टेंडर जिस बनाना है। टेंडर जिस इज नथिंग बट एक समरी, एक टेंडर का एक शॉर्ट समरी रहता है। वो समरी में हम लोगों को पता चलता है कि टेंडर के कौन कौन से क्लॉज है, फाइनेंशियल क्लॉजेस, टेक्निकल क्लॉजेस, या फिर बीओ के मेजर क्वांटिटीज क्या है, क्या क्या उसका पर्टिकुलर कंडीशंस है, ये सब हम डिटेल हम लोगों को टेंडर जिस में पता चलता है। उसके बाद है साइट विजिट रिपोर्ट। जैसे कि टेंडर आने के बाद हम लोग प्रीबिड मीटिंग करने से पहले साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट करने के बाद उधर का पूरा एरिया का जो स्ट्राटा है, सराउंडिंग जो भी है, उसके साथ ही उसका रोड वगैरह है, पूरा पैसा एक्सेस वगैरह है कि नहीं, वो पूरा हम डिटेल स्टडी करके साइट विजिट रिपोर्ट बनाते हैं। उसका रिपोर्ट भी हम लोग अटैच करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रीबिड मीटिंग का कुछ भी कोरिजेंडम या फिर रिप्लाईज आता है क्लाइंट की तरफ से, वो रिप्लाई का पूरा स्टडी करना। अगर कुछ क्वान्टिटीज या बीओक्यू में चेंजेस है तो उसके अकॉर्डिंगली वो बीओक्यू में चेंजेस करना। नेक्स्ट स्टेप है स्कोप ऑफ वर्क। वो बीओक्यू स्टडी करने के बाद में क्या क्या हम लोगों को काम करना है, वो पूरा टेंडर स्टडी के बाद में उसका एक पर्टिकुलर एक शीट बनाना है कि क्या स्कोप ऑफ वर्क है। स्कोप ऑफ वर्क होने के बाद में बिल्टअप एरिया निकालना है। अगर क्लाइंट ने बिल्टअप एरिया दिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ड्राॅइंग स्टडी करके ड्राॅइंग के अकॉर्डिंगली बिल्टअप एरिया बनाना है। बिल्टअप एरिया होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मेजर क्वान्टिटीज। जैसे भी बीओक्यू स्टडी करने के बाद जो भी मेजर क्वान्टिटीज है, जैसे एक्सकेवेशन है, शटरिंग है, स्टील है, कॉन्क्रीट है, मैसनरी है, प्लास्टर है, ये सब का डिटेल मेजर क्वांटिटीज निकालना है। वो हम लोगों को समरी में काम आता है। तो ये होने के बाद में हम लोगों को बेसिक रेट्स लेने हैं। बेसिक रेट्स जो भी मटेरियल के, जैसे सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, एग्रीगेट, सैंड, ये पूरा जनरल मटेरियल के रेट्स हम लोगों को लेना है। परचेज डिपार्टमेंट से लेना है, बाहर से लेना है। इसके साथ ही हम लोगों को मिनिमम 3 या 4 पार्टी से ये रेट लेना है। ये पार्टी के रेट लेने के बाद में हम लोगों को उसका एक CSQ बनाना है। CSQ मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन। और इसके बाद में जो लोएस्ट रहेगा वो उसका भी डिस्काउंट लेने के बाद जो भी फाइनल रेट होगा वो रेट हम लोगों को वर्किंग में कंसिडर करना है। ये बीओक्यू स्टडी करने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि कॉन्क्रीट क्वान्टिटी कितना है, टोटल क्वान्टिटी ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, और वो कितना ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को कंक्रीट एनालिसिस बनाना है। कंक्रीट एनालिसिस में हम लोगों को मशीनरी, प्लांट्स, कितना रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है उसके हिसाब से, जो भी लगने वाली मशीनरी है, बैचिंग प्लांट है या फिर मिक्सर है, जो भी उसका पूरा डिटेल निकाल के उसका कंक्रीट का डिटेल एनालिसिस बनाना है। कंक्रीट का एनालिसिस होने के बाद में शटरिंग एनालिसिस करना है। शटरिंग एनालिसिस में टोटल शटरिंग का क्वांटिटी कितना है, कितना ड्यूरेशन में हम लोगों को शटरिंग कंप्लीट करना है, कितना रिपीटेशन लेना है, कितना फ्लोर्स है, ये पूरा स्टडी करने के बाद में शटरिंग का एनालिसिस करना है। शटरिंग एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है रेनफोर्समेंट स्टील का एनालिसिस। रेनफोर्समेंट स्टील का भी टोटल क्वांटिटी बीओ के हिसाब से लेना है। और वो क्वांटिटी लेने के बाद में हम लोगों को कितना कटिंग बेंडिंग मशीन रिक्वायरमेंट है, कितना ड्यूरेशन में वो स्टील का काम कंप्लीट करना है, ये सब लेके स्टील का भी एनालिसिस बनाना है। और ये जनरल स्टील कॉन्क्रीट शटरिंग होने के बाद में एक जनरल रेट एनालिसिस बनाना है। रेट एनालिसिस में हम लोगों को क्या देखना है, मेनली लेबर, मटेरियल, मशीनरी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ कुछ जगह हम लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टर को भी अपॉइंट करना पड़ता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को भी कंसिडर करना है। और प्लांट्स और इक्विपमेंट्स, ये जो मशीनरी के अंडर आता है वो भी कंसिडर करना है। इसके साथ ही टावर क्रेन्स या फिर लिफ्ट, बूम प्लेसर, ये जो भी इक्विपमेंट्स मशीनरी लगेगा वो भी कंसिडर करना है। उसके रेट एनालिसिस बनाते समय सबसे पहले बेसिक्स रेट्स परचेज डिपार्टमेंट से या बाहर से लेके, उसके साथ ही जो भी ब्रॉट आउट आइटम्स है वो लोगों का कोटेशन लेके, उसमें CSQ स्टडी करके उसमें जो लोएस्ट है उनका लेना है। उसके साथ ही लेबर, मटेरियल,
मशीनरी, उसके साथ में जो पूरा वर्कआउट के लिए हम लोगों को जो भी कॉस्ट है वो कंसीडर करना है, उसके साथ ही पूरा डिटेल रेट एनालिसिस बनाना है। नेक्स्ट स्टेप है कि पूरा जो भी हम लोग ब्रॉट आउट आइटम्स जैसे रहता है इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या फिर HVAC, अलग अलग आइटम्स जो रहते हैं उनका पूरा कोटेशन लेके, उनका स्टडी करके, उसमें जाए मैक्सिमम डिस्काउंट लेके उसका भी एक CSQ बनाने का रखना है, और वो CSQ में जो भी लोएस्ट प्राइस रहेगा वो हम लोगों को कंसिडर करना है। रेट एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को ओवर हेड कॉस्ट निकालना है। ओवर हेड कॉस्ट जैसे इसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। वही इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर होता है, जनरली पूरा साइट का सेटअप, जैसे मोबिलाइजेशन का खर्चा हो गया, पूरा कितना स्टाफ लगने वाला उसका खर्चा हो गया, फिर क्लाइंट फैसिलिटीज हो गया, लेबर का PF, ESIC ये हो गया, ये सेफ्टी कॉस्ट, सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड कॉस्ट हो गया, उसके साथ ही बैंक गारंटी या फिर मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी या फिर अलग जो भी रहेगा उसके रिलेटेड जो फाइनेंस चार्जेस रहता है फाइनेंस, वो सर कंसिडर करना है। इसके साथ ही अलग अलग जो भी हम लोगों को ओवरहेड्स क्लाइंट्स के लिए कुछ ऑफिस बनाना पड़ता है, व्हीकल देना पड़ता है, वो पूरा भी कंसिडर करना है। तो इस हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट हम बनाते हैं या फिर उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट लेने के बाद में प्लांट एंड मशीनरी, उसका जो भी जनरल डिटेल लगता है उसका पूरा लिस्ट बना करके जो भी अवेलेबल मशीनरी या प्लांट है उसके हिसाब से लेना है, या फिर उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट लेना है, या फिर कुछ मटेरियल मशीनरी परचेस करना है तो वो कंसिडर करना है। तो पूरा वो टावर क्रेन लेना तो टावर क्रेन उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट कंसिडर करना है, तो पूरा प्लांट लेबर मशीनरी प्लांट और मशीनरी का भी कॉस्ट कंसिडर करना है। उसके साथ में जो वाटर और पावर रिक्वायरमेंट है, जितना पानी और इलेक्ट्रिसिटी उसका भी कैलकुलेशन करना है, वो पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए कितना लगने वाला है, कितना कंजम्पशन होगा, तो उसका खर्चा भी जोड़ना है, तो वाटर पावर भी साथ में जोड़ना है। इसके साथ भी ये एवरेज लेबर कौन जो भी प्राइस है, प्राइस कौन सा, टोटल लेबर्स कितने वाले हैं, कितने लगने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एक्टिविटी वाइज कितने लेबर लगने वाले हैं वो लेबर का टोटल कंसिडर कर, लेबर का कॉस्ट भी कंसिडर करना है। तो इस हिसाब से पूरा मशीनरी प्लांट मशीनरी लेबर मटेरियल पूरा कंसिडर करने के बाद में एक टॉप शीट बनाना है। ये पूरा कॉस्ट हम लोग जो भी कंसिडर करने के बाद में एक डायरेक्ट कॉस्ट बनता है। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोगों को ये ओवरहेड्स या फिर टैक्सेस प्रॉफिट ये सब ऐड करने के बाद में फाइनल कॉस्ट या फिर फाइनल रेट आता है। तो एक टॉप शीट बनाना है, तो टॉप शीट में जैसे क्लाइंट का BOQ, जैसे आइटम रेट का BOQ है तो आइटम रेट के हिसाब से, अगर परसेंटेज रेट BOQ तो परसेंटेज के हिसाब से, जो भी जैसा रहेगा टॉप शीट टेंडर का समरी शीट उसके हिसाब से वो टॉप शीट बनाना है, और वो टॉप शीट के ऊपर अपना फाइनल प्राइस या फिर फाइनल जो भी फिगर है अमाउंट है वो पुटअप करना है। तो वो टॉप पुटअप करते समय उसमें जो भी लोडिंग फैक्टर आता है, हम लोगों को जो भी परसेंटेज चाहिए जैसे 10%, 15%, 7%, व्हाटएवर, तो वो परसेंटेज आने के लिए हम लोगों को कितना लोडिंग फैक्टर उसके डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर देना है, तो वो कंसिडर करके हम लोगों को टॉप शीट बनाना है। BOQ एक ऐसा बनाना है, BOQ जैसे क्लाइंट ने दिया हुआ BOQ रहता है, जैसे उसमें क्वांटिटीज मेंशन किया हुआ रहता है, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज, यूनिट और रेट और अमाउंट हम लोगों को डालना है। अगर आइटम रेट है तो हम लोगों को डालना है, अगर परसेंटेज रेट है तो वो दिया हुआ ही रहता है। तो अगर हम लोग आइटम रेट कंसिडर करेंगे तो BOQ बनाते समय BOQ एज इट इज क्लाइंट का लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा वर्किंग रेट, जो भी रेट आता है वो वर्किंग रेट रहेगा, तो वो वर्किंग रेट रहेगा, और उसके बाद में फाइनल वर्किंग रेट वर्किंग अमाउंट, और उसके बाद में नेक्स्ट दो कॉलम रहेंगे कोटेड रेट और कोटेड अमाउंट। तो ये जो कोटेड रेट कोटेड अमाउंट कैसे निकालना है, वर्किंग रेट को जो भी हम टॉप शीट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर जो भी लोडिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके वो कोटेड रेट और कोटेड रेट उसमें डालना है, और फिर क्वांटिटी इंटू कोटेड रेट इज इक्वल टू कोटेड अमाउंट डालना है। तो इस हिसाब से ये BOQ का शीट बन जाएगा, आइटम नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, वर्किंग रेट, वर्किंग अमाउंट, क्वांटिटी इंटू वर्किंग रेट, वर्किंग अमाउंट, उसके बाद कोटेड रेट, कोटेड अमाउंट, मतलब क्वांटिटी इंटू कोटेड रेट इज इक्वल टू कोटेड अमाउंट। तो ये फाइनल टोटल कोटिंग वर्किंग रेट वर्किंग अमाउंट कोटेड रेट कोटिंग अमाउंट ये पूरा टॉप शीट में लेना है, और टॉप शीट में लेने के बाद में जो भी लोडिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है
उस हिसाब से हम लोगों को जो भी प्रॉफिट वगैरह मार्जिन जो भी रखना है उस हिसाब से वो कोटेड रेट या फिर कोटेड अमाउंट हमको फिक्स करना है। बाद में जो फाइनल फिगर आता है वो फाइनल फिगर मेन हम लोगों का जो सबमिशन फिगर रहता है उसी को हम लोग मतलब टेंडर फाइनल अमाउंट भी बोलते हैं। तो वो अमाउंट करने के बाद में ये पूरा टेंडर हम लोग फ्रीज करेंगे। एक बार कल अपना हायर अथॉरिटी से चेक होने के बाद में जो फाइनल फिगर होता है वो फाइनल फिगर फ्रीज करना है, फिर बाद में सबमिशन के समय ये फिगर वहाँ पुटअप करना है या फिर सबमिट करना है। जैसे अगर ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में, और अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में पूरा बीओ को फिल करके ये सबमिट टेंडर सबमिट करना है। तो इस हिसाब से ये पूरा टेंडर वर्किंग प्रोसेस है। जैसे टेंडर अपने हाथ में आने के बाद में सबमिशन होने तक क्या क्या स्टेजेस है ये हमने अभी देख लिया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का अपना टॉपिक आप जरूर कमेंट कीजिए, और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।